एक ही टमाटर देखो दोनों एक ही। धनिया 240 रुपए का सार है। लेने मार्केट में आए हैं जी, प्याज आलू और बाकी हरी सब्जी की बात करें कितने रेट में? लगभग 1.5 से 2 गुने तक रेट पहुंच गए हैं 15 से 20 दिन के अंदर। कई चीजें तो त्योहार आते ही एकदम से ऐसे लगता है कि इंतजार कर रही हूँ कि हम कब महंगी हों, कब त्योहार आए। आलू और प्याज तो बेसिक नीड्स हैं, ये सब महंगी हो रही हैं। सब महंगी हो रही है, बिना इसके तो किसी का गुजारा नहीं है, ये तो डेली में चाहिए ही चाहिए सभी को। हरी सब्जी की बात कर रहे हैं? हरी सब्जी ने तो घर का बजट ही लाल कर रखा है। महंगी है बहुत, सब महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है जी। सस्ता केवल आदमी की मेहनत हो रही है और खाना पीना सब महंगा हो रहा है। बात करें सब्जियों के दामों की, पहले और आज में कितना फर्क दिख रहा है? 30-35%, 40% बढ़ गई है। पहले कितने रुपए थी और अब कितना दिख रहा है आपको? मतलब अगर बात करें आलू गोभी तो बेसिक चीजें सारी जो तो सारी चीजें ही बढ़ गई हैं अभी तो 20% रेट बढ़ गए। तो कैसे मेंटेन किया जा? मेंटेन तो कैसे करेंगे पता नहीं, सरकार बताएगी यार। सब्जी की तो कितनी महंगी सब्जी हुई है पिछले 10 दिनों के अंदर? सब्जी देखिए दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। आलू प्याज की बात करें सब सब महंगा हो रहा है। हरी सब्जी भी महंगी है। कितना फर्क दिखा दिया मतलब 10 दिन के रेट में? ये बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है। प्रसाद में सब्जी सस्ती मिलनी चाहिए लेकिन सब्जी सस्ती नहीं मिल पा रही है। आने वाले दिनों में त्योहार भी शुरू हो जाएंगे, फिर सब्जियों के दाम महंगे हो रहे हैं, तो दिनों दिन रेट तो बढ़ते ही जा रहा है, घट कहाँ रहा है सब्जी का रेट? कैसे इसको घर को चला रहे हैं फिर? अब उसी में कंसीडर किया जा रहा है। Thank you.
जी आलू बहुत महंगा चल रहा है, 250 रुपए दड़ी हो रहा है। पहले की बात करें, पहले के रेट में आपके कितना फर्क दिख रहा है? पांच गुने का फर्क है। सब्जी महंगी हो रही है? हाँ जी, सब चीज महंगी हो रही है। भिंडी 80 रुपए किलो हो रही है, टमाटर 80 रुपए हो रहे हैं, बैगन भी 80 रुपए हो रहा है। कैसे भी मेंटेन कर रहे हैं घर को? करना पड़ेगा, क्या करें, बच्चे पालने करना तो